राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हरिमोहन विश्वास के नेतृत्व में शहर के आरनसाल चौक पर प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी के विरोध में एवं अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों को खरीफ फसलों की बुआई के लिए यूरिया खाद की भारी किल्लत हो रही है, जिसको लेकर सरकार से उचित मूल्य पर यूरिया खाद किसानों को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए कर्ज माफ कर दिया जाता है, तो पूर्णिया के किसानों का ऋण क्यों नहीं माफ किया जाए। जिले में इस बार वर्षा भी कम हुई, जिस कारण सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को मुआवजा मिले। साथ ही पूर्णिया से सहरसा तक सड़क मार्ग का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, उसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा को भी जल्द से जल्द लोगों के लिए चालू करें। इन सभी मांगों को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारी मांग ये है कि खाद्यान्न में जो 5% जीएसटी लगाया गया है, जिसके चलते लगा तो 5% है लेकिन 30% दाम मार्केट में बढ़ा है, गरीब आदमी कैसे घर चलाएगी। यूरिया का किल्लत देखा जा रहा है, अभी खरीफ फसल के लिए अभी यूरिया का किल्लत देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही। उसी के लिए हम लोग ये महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको केंद्र सरकार के पास सिर्फ 7 लाख वैकेंसीज है, जिस पर वो बहाली करने के लिए नहीं करना चाह रही है, चाहे वो फंड का कमी हो चाहे जो कारण हो, नहीं करना चाह रही। हम लोग उसी मुद्दे पर पूरे राज्यव्यापी हमारे प्रदेश संयोजक राणा रणवीर सिंह जी के निर्देश पर हम लोग पूरे राज्य में आज हम लोग अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग ये पुतला दहन धरना प्रदर्शन नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। क्या परिचय हुआ जी? हरिमोहन विश्वास, NCP जिला अध्यक्ष, पूर्णिया। मांग पूरा नहीं होगा तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे और जबरदस्त रूप से आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये अमीरों की सरकार है, ये गरीब को नहीं देखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों का 40% जब से आए हैं 40% आपका खर्च बढ़ गया, 50% खर्च बढ़ गया ये 2 साल के अंदर में। कोरोना के नाम पर ये लोग मतलब कि अन्याय किए हुए हैं पूरे देश में, अमीरों को अमीर करते जा रहे हैं। उनको दो ही है, दो देश चला रहे हैं, दो चार आदमी देश चला रहे हैं, दो देश को बेच रहे हैं, दो खरीद